पीपल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ 300 रुपए के अंदर अपने जो वॉश बेसिन का ये जो एरिया है मेरा, जैसे ये एरिया काफी सिंपल है, सिंपल दीवार है, इसको कैसे डेकोरेट करें। काफी सिंपल आइडिया है, बताती हूँ आपको। जैसे ये एरिया है ये काफी सिंपल है, बिकॉज ऑफ जैसे मैं भी रेंट पे घर रहती हूँ, आप भी लोग रहते होंगे, तो हम ज्यादा इसको डेकोरेट नहीं कर सकते, वुडन का वर्क नहीं कर सकते इस पे। तो इसको हम वॉलपेपर से लगा के, सिंपल वुडन वॉलपेपर आता है आजकल वुडन प्रिंट का, वो हम लगा के इसको काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, 300 रुपए के करीब है। मैं इसका लिंक आपके फ्लिपकार्ट पे डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए, बिल्कुल ये ऐसे लग रहा है जैसे वुडन प्लाई है। काफ़ी सुंदर अच्छा सा डिजाइन है इसका, जैसे कोई लकड़ी का प्लाई ही है। ये देखिए, और इसको हमें कोई फेविकोल से स्टिक करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके स्टिकर्स लगे हैं। सीधे सीधे उतार के हमें सिंपल तरीके से लगा देना है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए गाइस, जैसे मैंने अभी क्या किया, थोड़ा सा स्टिकर्स अभी एक बार आपको लगा के दिखाया है। इसके पीछे जो स्टिकर है उसी तरह है कि थोड़ा थोड़ा स्टिकर निकालते जाएंगे और इस तरह लगा के आगे आगे प्रेस करते हो जाएंगे कि बीच में एक भी सबट ना पड़े। और ये देखिए, इक्वल इक्वल ही डिजाइन पड़ रहा है, कोई हमें और नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है बिल्कुल साथ का ही है। इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। अब ये देखिए तैयार है बिल्कुल, कितनी स्मूथ हुई है बिल्कुल, कहीं भी आपको ऐसे सलवट सी नहीं दिखेगी। बहुत इजी है, मेरे बच्चों ने ही हेल्प करके ये लगवा दी, बच्चों की हेल्प से मैंने लगाया ये, कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सिंपल एरिया था ये, और ये थोड़ा सा जो रह गया है इस पर मैंने सोचा है कि यहाँ वॉश बेसिन पर मैंने बॉक्स लगाना है। अभी भी कुछ कटआउट बाकी है, लेकिन यहाँ मैंने बॉक्स लगाना है, तो इसके लिए मैंने ये जगह छोड़ दी है।